बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग फाइन होंगे। सो गाइस, आज की ट्यूटोरियल में आप लोग को क्या सिखाने वाला हूँ, आई प्लस जी लोगो डिज़ाइन ग्राइंड मेथड लोगो डिज़ाइन जो है वो आज आप लोगों के लिए जो है वो क्रिएट करने वाला हूँ। पहले मैंने इसका नहीं यूज़ किया, सो आज मैं इसको करूँगा। पहले मैं कुछ लाइन्स की मदद इसको लाइन क्रिएट करके फिर इस लोगो को जो है वो क्रिएट करता था। बट ये जो लोगो है इसमें हम लोग ग्राइंड मेथड लोगो जो है वो सीखेंगे कि आप इसकी वजह से क्या, इसकी मदद से कैसे लोगो को क्रिएट करेंगे, और वो भी बहुत ईजी मेथड के साथ। तो मेरे लिए सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि, और मेरे लिए अच्छा ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मेरे चैनल का नाम भी बनता है, आई प्लस जी इना ग्राफिक्स इसका बनता है। तो सो मैं अपना ही आज, पहले तो मैंने अपना लोगो क्रिएट किया हुआ, बट चलें आज मेरे चैनल का भी नाम बनता है, और आप लोगों का भी अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी कोई कंपनी का नाम बनता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आज मैंने सोचा आप लोगों को सिखाऊँ आई प्लस जी लोगो डिज़ाइन, और वो भी ग्राइंड मेथड लोगो डिज़ाइन आपको सिखाऊँ, क्योंकि पहले आप लोगों को नहीं क्रिएट करके दिखाया। सो आज इस वैल्यू को भी आज हम यूज़ करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। और गाइस, एक और अच्छी बात है कि मैं हर चीज़ जो है वो आप लोग को वीडियो में जूम करके बताऊँगा, कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं इसमें कोई चीज़ यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं स्मॉल स्मॉल जो है वो फिल्टर नज़र आती हैं, इफेक्ट नज़र आते हैं, तो वो देखने में प्रॉब्लम होती है। अगर जूम करके वीडियो में ना दिखाई जाए तो प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसमें इफ़ेक्ट डाल दूँगा और आप लोग जो है वो बआसानी जो इसको जो है वो सीख सकेंगे और देख सकेंगे। आप लोगों को बेशक आप डाउनलोड नहीं वीडियो करते, आप ऑनलाइन देखते हैं, वो अगर नेट अच्छा है तो फिर तो वो बिल्कुल क्लियर आता है, बट यही मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो भी अच्छी जो है वो रेजोल्यूशन पर रख के एडिट करूँ, और उसके बाद अब जूम वाला भी इंशाल्लाह इफेक्ट जो है वो डालूंगा कि आप लोगों के लिए आसानी हो। सो गाइस, चलें अपने लोगों की तरफ पढ़ते हैं। तो गाइस, आज मैंने जो कलर जो है इसमें क्रिएट किए हैं वो येलो और ब्लैक हैं, और जो आपके फेवरेट कलर हैं आप उनको पहले क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर ये टू वाले कलर जो आप क्रिएट किए, बाद में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो गाइस, आप करें वीडियो को इन्जॉय, और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो गाइस, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइंस है, एरक टूल्स है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1, 2, 3, 4 नंबर पे ग्राइड टूल वाला। तो जस्ट इस पर आपने क्लिक करना, और यहाँ पे आपने इसकी विंडो को ओपन कर लेना। तो यहाँ पे जो है वो मैं सेटिंग आप लोगों को बताने वाला हूँ, और विड्थ और हाइट इसकी 200 और इसके नंबर्स जो है वो यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास 6 आ रहा है, आपके पास कोई भी वैल्यू आ सकती है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे आपने क्या नंबर 4 और यहाँ पे 3, हमें यहाँ पे 3 जो करके हमें ये वाली सेटिंग करके ओके पे क्लिक करना। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो है ग्राइंड मेथड जो है वो यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। सो गाइस, आप लोग को बता दूँ यहाँ पे एक और चीज़, अगर मैं इस लोगों को ऐसे भी क्रिएट करूँ, आपको अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, या ऐसे मैं पहले लाइन लगाता हूँ या ऐसे, और फिर उसके बाद इसको जो है वो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मगर आप ये देखिए, चीज़ एक ही बन जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये है कि थोड़ा हमारा टाइम जो है वो बच जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए सो है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है, दोनों जो है वो बहुत अच्छे हैं। जैसे आप लोग को ईजी लगे, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं ऐसे भी क्रिएट कर सकता हूँ इस, और ऐसे भी कर सकता हूँ, बट आगे आप लोग कैसे, तो आज हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। ओके, तो गाइस अब आप लोगों ने इस बात को समझना है इस ट्यूटोरियल में कि मैं इसको कैसे क्रिएट करने वाला हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने बॉक्स लगा दी हैं और वन बाय वन बॉक्स लगी हैं, और आप इसमें लोगों कैसे क्रिएट होगा। तो गाइस, बहुत ज़बरदस्त लोगों को क्रिएट करने वाला हूँ, इस तरह का लोगो आपने, आई होप कि आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा। सो आज फर्स्ट टाइम मैं आज इसको क्रिएट करूँगा, और कोशिश करूँगा बहुत ही ईजी मेथड के साथ आप लोग को समझाऊँ यहाँ पे। तो गाइस, इसको देखते हैं, सेलेक्ट और लेते हैं शेप टूल को, और यहाँ पे ब्लैक कलर को फिल कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ठीक, यहाँ तक यहाँ ठीक है। गाइस अब जो है वो हमने जी को क्रिएट कर लिया, लेकिन आई को भी क्रिएट करना है। मज़े की बात ये है कि इसको एक ही लोगों में कन्वर्ट करने वाला हूँ, आई को भी इसी में करूँगा यहाँ क्रिएट और जी को भी इसी में करूँगा क्रिएट। अब आप देखिए आगे क्या होता है। सो गाइस यहाँ पे एक लाइन की हमें नीड पड़ेगी और लाइन अपनी यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है यहाँ पर, ओके। और इसका मैं आपको बाद में बता दूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे आपने लाइन क्रिएट करके दोबारा सेलेक्ट कर लेना शेप टूल को लेना और ब्लैक कलर को, और यहाँ पे गाइस आपने क्या करना है सिंपल इसको ड्रॉ कर देना यहाँ पे, इस पर जो है वो क्रिएट कर देना। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई भी मेरा क्रिएट हो गया, ये देखें ये मेरा आई बन गया और ये मेरा जी जो है वो क्रिएट हो गया। तो आई और जी लोगो हमारा जो है वो क्रिएट हो गया। अभी ये सिंपल है, जब आगे इसको नेक्स्ट मैं करता हूँ तो आप लोगों को मज़ा आने वाला है गाइस। तो आप इसको करेंगे सेलेक्ट, एक साइड पे ले लूँगा, एक्स्ट्रा लाइंस को मैं रिमूव कर दूँगा और अब इसको हम लोग इसके स्ट्रोक जो है ऑफ करेंगे, ओके गाइस। अब गाइस यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्शन टूल का हम लोग यूज़ करेंगे, इसको आई को हमने क्रिएट कर दिया, बट अब इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम ऐसे क्रिएट कर देंगे, ओके दैट्स गुड। ये तो आप लिख सकते हैं सिंपल सा हमने क्रिएट किया था, इसको हम बनाएंगे फुल ज़बरदस्त। इसको आप थोड़ा सा इसके पास लेके जाऊँगा मैं, ओके इतना काफ़ी है। अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट कराएंगे, ज़्यादा नहीं करना आपने गाइस, तो यहाँ पे आप इसको कर देंगे ऐसे करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पे लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा मैं कर दूँगा यहाँ पे, ओके दैट्स गुड। तो ये गाइस मेरा हो गया लोगो रेडी। अब गाइस इसको करेंगे हम लोग रोटेट, रोटेट आपने करना है ऐसे। आइए देखिए कैसा ज़बरदस्त यहाँ पे लोगो जो है वो क्रिएट हो गया, ये भी आप लोगों को सिखाना था गाइस मेथड के साथ आप कितना ज़बरदस्त लोगो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल का नाम भी बनता है, सो इसलिए मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला भी लोगो, काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में आ रहा था, सो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो गाइस इसमें रहने देंगे हम लोग ब्लैक, इसमें काम हम करेंगे येलो, ओके दैट्स गुड। इसको करेंगे थोड़ा सा डार्क ब्लैक फुल। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कंपनी नेम, और यहाँ पे इसको ले आएंगे। गाइस बहुत अच्छा लोगो है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आई होप कि आप सब लोगों को भी अच्छा लगेगा। और इसको छोटा ही करेंगे, इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं, और इसको सेट करके उनको लाइन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसमें अगर आपने कोई बैकग्राउंड यूज़ करनी है तो आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है हमारा ग्राइंड मेथड लोगो जो है वो क्रिएट हो गया, और चैनल के लिए भी मैं कह रहा हूँ इसको और यूज़ कर लूँ, बट नहीं मुझे पहले वाला भी बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा फाइनल है, उसी को मैंने जो है वो क्रिएट किया था। तो ये आप देख सकते कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप कि अगर गाइस अगर आपको इस रंग का और भी लोगो चाहिए, आई और जी के और भी लोगो चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको और भी इस रंग का आइडिया जो है वो ज़रूर दूंगा। और गाइस आई होप कि आप इस तरह का लोगो क्रिएट करने में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बात तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा जय, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।